यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, कहाँ है, क्या ढूंढ रहा है बे तू? अरे मैं अपने घर में सीक्रेट हाउस ढूंढ रहा हूँ। घर में सीक्रेट हाउस? ऐसा कुछ नहीं होता। होता है? नहीं होता। रुक, अभी बना के दिखाता हूँ तेरे को। तो हेलो गाइस, आज हम माइनक्राफ्ट में अपना एक सीक्रेट हाउस बनाने वाले हैं और मैं एक नए वर्ल्ड में एंट्री किया हूँ और इस वर्ल्ड में सिर्फ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। मुझे एक अच्छी जगह की तलाश होगी जहाँ पे मैं सीक्रेट हाउस बना सकूँ और मैं सोच रहा हूँ कि किसी घर के अंदर ही अपना सीक्रेट हाउस बनाऊँ जैसे पुराने जमाने में होते थे। तो उसके लिए मुझे पहले से एक बना बनाया घर लगेगा। आई गेस वैसा घर ढूंढने के लिए मुझे कहीं विलेज में जाना पड़ेगा। तो वो विलेज मुझे कहाँ मिलेगा? इस वर्ल्ड में जहाँ हर तरफ पेड़ ही पेड़ है वहाँ विलेज ढूंढना तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। फिर भी देखते हैं, कहीं ना कहीं तो आखिर मिल ही जाएगा विलेज। तो हम आगे बढ़ते जाते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं तो कुछ मिलेगा ही। एंड उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर 100K सब्सक्राइबर्स टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। और तुम लोगों ने अभी तक नहीं किया है ना तो अभी कर लो और उस बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर दो। और तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आई एम आयुष मोर, वहाँ पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वीडियो के बाद फॉलो जरूर कर लेना। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे लैंड दिख रहा है तो मैं यहाँ फटाफट लैंड कर जाता हूँ और देखते हैं यहाँ से आगे कहाँ जाते हैं। विलेज कहीं ना कहीं आसपास ही होगा मुझे ऐसा लगता है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है और मुझे ये सब घोड़े लग रहे हैं, तो चलो आज घोड़े की मदद से जाएंगे। कब तक उड़ उड़ के जाते रहेंगे? सभी कितने गजब के घोड़े हैं। किस पर बैठूं? किसी पर भी बैठ जाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, सब एक ही होगा। इस पर बैठ के देखते हैं। ए बैठ गया, लेकिन ऐसे चलेगा नहीं ना, इसको पहले टेम करना होगा। ये टेम कैसे होता हॉर्स? अरे घोड़े बैठा ले मुझे। रुक 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 रुक, मुझे पता है घोड़े को टेम करना ऐसे ही पड़ता है। इसके साथ साथ बैलेंस करो, ये अपने आप टेम हो जाएगा। अरे अरे रुक रुक, नहीं हुआ। एक बार और ट्राई करते हैं, इस बार टेम हो जाना चाहिए। हॉर्स को टेम ऐसे ही किया जाता है, हमें इस पर बैठ कर बार बार बस इसके डायरेक्शन में मूव करना है, तभी अपने आप टेम हो जाता है। टेम हो जा हॉर्स। यार ऐसे क्यों कर रहा है, इस बार तो पक्का हो ही जाएगा ये ऐसे। हाँ मान गया, ये देखो बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। ओके अभी मुझे नहीं उतारेगा। कितना अच्छा लग रहा है यार, बढ़िया लग रहा है एकदम। अब इसकी सवारी करने के लिए आई गेस मुझे सैडल लगेगा, नहीं तो मैं इसे चला नहीं पाऊंगा। तो ये ले लिया मैंने सैडल, और अब इस सैडल को इस पे लगा दो। कितना अच्छा लग रहा है ये सैडल पहन के यार। और अब मैं इस पर बैठ जाता हूँ और हम घोड़ सवारी के लिए तैयार हैं। क्या मजे आ रहे हैं यार, क्या गजब फीलिंग, ऐसा लग रहा है जमीन पर उड़ रहा है। बहुत मजा आ रहा है यार, एकदम राजा की सवारी हो रही है। अब तो मैं हॉर्स राइडिंग करते हुए ही घर ढूंढूंगा। तो मैं उस डायरेक्शन से आया था आई थिंक, मुझे चलो इधर ही चलते हैं। ओ सामने रहा विलेज, यार मुझे पता ही था विलेज ज्यादा दूर नहीं होगा। चलो ओ यहाँ पे बाकी सारे हॉर्स भी है, तो आओ मैं तुम्हें कोई घास वाली जगह पे छोड़ देता हूँ, यहाँ पर तुम आराम से घास खाओ। ओके तो अब इधर उधर कहीं जाना मत, यहीं पर ही रहना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो मैं इस घर की तलाशी लेकर आता हूँ। यार ये तो बहुत ही छोटा सा घर है, इतने छोटे घर में मेरा काम शायद नहीं होगा। मुझे थोड़ा बड़ा घर चाहिए जिसके अंदर मैं अपना सीक्रेट हाउस बना सकूँ। यार ये लोग एक दूसरे को ऐसे घूरते क्यों रहते हैं, जब देखो इनमें ऐसी क्या बातें होती है। ये वाला घर भी काफी छोटा है, यहाँ शायद ही हो पाएगा। ये इसका घर है, ये मुझे सीक्रेट हाउस बनाने नहीं देगा लगता है। तो मैं आगे ही बढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये डर्ट अलग है ना, आई डोंट नो ये डर्ट यहाँ अलग क्यों रखा हुआ है थोड़ा। ये क्या है, ये क्या है, ये लोग अंदर में क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओ माई गॉड, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? मुझे लगा था ये लोग सिर्फ बाहर में ही एक दूसरे को घूरते हैं, तो अंडरग्राउंड में जाके एक दूसरे को घूर रहे हैं। ये लोग सिर्फ घूर ही रहे थे या कुछ और भी कर रहे थे अंदर में? शिव 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 शिव, क्या क्या हो रहा है इस माइनक्राफ्ट में, मैंने ये चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। बाहर भी नहीं आ रहे, बाहर आओ बाहर आओ, ये सब चीजें नहीं चलेगी माइनक्राफ्ट में। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, मैं इसको भर देता हूँ, मुझे ये लोग ढंग के नहीं लग रहे। अब कोई अंदर नहीं जाएगा, ऐसी हरकतें मत करो तुम लोग। चलो मुझे तो अपना सीक्रेट हाउस बनाना है, इन्हें रहने दो। ये वाला घर काफी बड़ा है, इस घर में शायद सीक्रेट हाउस अच्छे से बन जाएगा, लेकिन फिर भी ये घर छोटा है थोड़ा। तो मैं अपना सीक्रेट हाउस इस वॉल के इधर बना लेता हूँ, इधर एक सीक्रेट एंट्रेंस बना के। तो उसके लिए पहले तो मैं देख लेता हूँ कि विलेजर्स यहाँ आसपास तो नहीं है ना, नहीं तो मेरे घर बनाते हुए को वो लोग देख लेंगे। ओके तो यहाँ पे नहीं है, काम करता हूँ मैं अंदर जाता हूँ, इसको बंद किया और यहाँ पे डर्ट लगा देता हूँ, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो पहले मैं इस दीवार को यहाँ से तोड़ लेता हूँ ताकि मैं मैकेनिज्म बना सकूँ सीक्रेट एंट्रेंस का। तो ठीक है तुम लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे 5x5 का स्क्वायर करके एक होल किया है और यही नीचे हमारा मैकेनिज्म बनेगा। अब मैकेनिज्म बनाने के लिए मैं सामान रेडी कर लेता हूँ। ओके तो हम लोगों ने सामान रेडी कर लिया है,
अब सबसे पहले हमें नीचे जाना है, वो भी फर्स्ट लाइन के सेंटर में, और यहाँ पर सामने चेस्ट लगाना है। देखो यहाँ पर एक गैप आगे और इस लाइन के एकदम बीच में यहाँ चेस्ट लगाना है। अब हमें यहाँ पर हॉपर लगाना है दो। अब हॉपर लगाते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो हॉपर लगाना है वो हमें इस वॉल के टच करते हुए नहीं लगाना, बल्कि हमें इस चेस्ट के टच करते हुए लगाना है। ये बहुत जरूरी है, तभी हॉपर के अंदर अगर हम लोग कोई सामान डालेंगे तो वो चेस्ट के अंदर जाएगा। अगर हम लोग इसके सहारे यहाँ पर लगा देंगे और अगर बाद में हम लोग जैसे कुछ सामान डालते हैं, ये देखो जैसे मैंने हॉपर ही इसके अंदर डाल दिया, तो वो सामान हमें हॉपर के अंदर ही मिलेगा, वो चेस्ट में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम इसे चेस्ट के टच करते हुए लगाते हैं, पहले मैं बैठ जाता हूँ और फिर मैं लगाता हूँ यहाँ पर, और ये दूसरा वाला हॉपर इसके टच करके लगाता हूँ, तो अब मैं इसके अंदर कोई सामान डालूंगा तो अब ये हॉपर के अंदर में नहीं है, अब ये चेस्ट के अंदर में। देख रहा हूँ कितना डिफरेंस है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर चेस्ट लगाई और दो हॉपर लगा दिए। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर कंपैरेटर लगाना है, और कंपैरेटर का जो फेस है वो इस तरफ होना चाहिए, यानी कि हमें इसे यहाँ पर जाकर ऐसे लगाना है, तो ये कंपैरेटर इस तरफ लगेगा। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में लग गया। अब यहाँ पर एक ब्लॉक खाली है, हम इसे तोड़ेंगे और इसके अंदर में डालेंगे एक स्टिकी पिस्टन, अब फेस करते हुए। ठीक है, अब हम इधर आएंगे और इधर में हम इसके आगे लगाएंगे एक रिपीटर। ओके, अभी तक सब सही चल रहा है। अब हमें रिपीटर के बाद यहाँ पर एक पिस्टन लगाना है वापस से, और पिस्टन का फेस इस तरफ होना चाहिए। सब बढ़िया है। अब हमें लेना है रेडस्टोन ब्लॉक और इसे चेस्ट के पीछे लगाना है। ठीक है, अब यहाँ बीच में एक गैप है, हमें इस गैप के आगे इस वाले ब्लॉक पर रेडस्टोन डस्ट लगाना है, वो भी एक ऐसे। आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ थोड़ा रोशनी कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो अभी मैंने यहाँ पे लाइट्स लगा दी है, तो तुम लोगों को अभी यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ रेडस्टोन डस्ट लगाई है, ये देखो। तो हम लोगों ने अब तक क्या लगाया एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर चेस्ट लगाई, यहाँ पर दो हॉपर लगा दिए, कंपैरेटर जिसका फेस उस तरफ है, एक होल करके उसके अंदर में स्टिकी पिस्टन, फिर यहाँ पर एक रिपीटर, यहाँ पर एक पिस्टन, एक गैप छोड़कर चेस्ट के पीछे में रेडस्टोन ब्लॉक, और यहाँ पर हम लोगों ने लगाई एक रेडस्टोन डस्ट। अब कोई सा भी एक स्टोन ले लो या कोई प्लैंक भी ले सकते हो तुम लोग, और फिर यहाँ पर एक लगाओ और इसके ऊपर में रख दो रेडस्टोन टॉर्च। ध्यान रहे इसके ऊपर रखना है, इसके पीछे मत लगा देना। ये पीछे लगाने में और ऊपर लगाने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ लगाने के बाद हमें लगाना है रिपीटर, यहाँ पे लगा दो। और अब ये जो चार ब्लॉक है इसमें हमें कोई सा भी यहाँ स्टोन लगा देना है और इसे भर देना है। ठीक है, और अब पीछे में जो दो जगह है उन्हें तोड़ो और यहाँ पर लगा दो रेडस्टोन टॉर्च। यहाँ पर फिर से ध्यान रखना कि इसे ऊपर लगाना है, इसके पीछे मत लगा देना। सब सही है, अब तक हमारा सब कुछ सही से बन रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे दो रेडस्टोन डस्ट लगाना है ऐसे, तो ये एक लाइन बन गया। अब इस लाइन के आगे में हमें दो रेडस्टोन रिपीटर लगाना है ऐसे, और इसे फुल पर सेट कर देना है। अब हमें क्या करना है, ओ हम लोगों ने एक छोटी सी गलती कर दी, हमें रेडस्टोन टॉर्च को ऊपर लगाना है, यहाँ नहीं लगाना। तो इस ब्लॉक को हम भर देते हैं दोबारा से और यहाँ पर तोड़कर यहाँ पर रेडस्टोन टॉर्च लगाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म अब तक ऐसा दिख रहा है। अब इन रेडस्टोन टॉर्चेस के आगे में हमें स्टिकी पिस्टन लगाना है ऐसे, तो ये दोनों पिस्टन खुल जाने चाहिए क्योंकि पीछे रेडस्टोन टॉर्च लगा हुआ है। हमें दो पिस्टन ऊपर और लगाने हैं, तो ये ऊपर वाला लाइन हमें एक बार और तोड़ना होगा, तो मैं इसे तोड़ लेता हूँ। तो मैंने ऊपर वाली लेयर तोड़ ली, अब मुझे दो पिस्टन यहाँ पे और लगानी है। ओके, तो ये चार पिस्टन इस तरीके से लग गए। कोई घर में आया तो नहीं है ना, ये बार बार अजीब अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही है। चलो अपना आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ चार पिस्टन ऐसे लगा दिए और हमारा मैकेनिज्म अब तक सही है क्योंकि ये पिस्टन भी अच्छे से खुल चुके हैं। ओके, अब हमें दो पिस्टन और लेना और इसके आगे ऐसे लगा देना है। सब सही, और अब हमें कोई से भी दो स्टोन लेने हैं और यहाँ पर ऐसे लगा देने हैं। अब हमें दो चीज और करनी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो यहाँ पिस्टन लगाई थी इसके ऊपर एक ब्लॉक लगा देनी है, और इस टॉर्च के जस्ट ऊपर में भी हमें ब्लॉक लगानी है इस टॉर्च के टच करते हुए ऐसे। ये हम लोगों ने लगा दी ब्लॉक, तब ये वाला पिस्टन आगे आ जाएगा, और इस ब्लॉक के ऊपर हमें एक रेडस्टोन डस्ट लगा देना है, तब ये वाला पिस्टन भी आगे आ जाएगा। बस हमारा मैकेनिज्म पूरा रेडी हो चुका है। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे। ये जो सामने दो ब्लॉक है ये एंट्रेंस है, अभी ये बंद है। जैसे हम इस हॉपर में सामान डालेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा, और जैसे ही दोबारा सामान डालेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब बस हमें इस एरिया को ऐसे कवर कर देना है ताकि यहाँ पे पूरा वॉल बन जाए, तो फिर हमारा बस वो सीक्रेट एंट्रेंस खुलेगा।
तो हम लोगों ने इसे पूरा कंप्लीट फिल कर दिया है और अब जैसे ही हम इस हॉपर में सामान डालेंगे तो हमारा ये सीक्रेट एंट्रेंस खुल जाएगा। अब बस हमें यहाँ से होल करके अंदर में जाना है और अपना एक सीक्रेट हाउस बनाना है। जैसे ही हम वापस इसके अंदर में सामान डालेंगे तो ये बंद हो जाएगा। कितना कूल है ये, किसी को भी पता नहीं चलेगा यहाँ पे एक सीक्रेट हाउस है। अब बस हमें इस हॉपर को ढकना है। उसके लिए तुम यहाँ पर या तो कारपेट लगा दो या एन्चेंटेड टेबल। अगर हम यहाँ पे कारपेट लगा के इसे पूरा ढक देते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो हम कारपेट की जगह एन्चेंटेड टेबल भी लगा सकते हैं। फिर इस एन्चेंटेड टेबल के ऊपर कोई भी एक सामान फेंको तो हमारा दरवाजा खुल जाएगा और हम इसके अंदर जा सकते हैं। हमारा सीक्रेट दरवाजा पूरा रेडी है। अगर एन्चेंटेड टेबल नहीं रखना तो सिर्फ कारपेट भी रख लो तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब अंदर में हम अपना सीक्रेट मॉडर्न हाउस बनाएंगे। तो मैं यहाँ अंदर में होल कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत लाइट्स लगा देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। अब मैं यहाँ पे पूरा एक रूम बना लेता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। A few moments later. ठीक है, तो अंदर में मैंने एक रूम बना लिया है, तो मैं अब तुम लोगों को दिखाता हूँ कि वो कैसा लगता है। पहले यहाँ पर हम ये क्वार्ट्ज ब्लॉक डाल देते हैं। हमारा दरवाजा खुल गया, अंदर जाएंगे, इसे यहाँ से बंद कर दो। अब बाहर से कोई नहीं देख पाएगा और हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर मैंने ये डोर लगाया है, इसे खोलो और हमारा ये सीक्रेट हाउस कितना जबरदस्त लग रहा है। अब मैं यहाँ पर अपना एक बेड लगाऊंगा, इसलिए मैंने ऊपर में ग्लोइंग ऑब्सीडियन लगाया है ताकि यहाँ एक अच्छी फील आएगी जब मैं सोऊंगा तो। और यहाँ पर मैं अपना ड्रीम गेमिंग पीसी बनाऊंगा, क्योंकि हम गेमर है तो हमारे पास गेमिंग पीसी तो होना ही चाहिए। लेकिन पहले मैं उधर अपना स्पेशल वाला बेड बना लेता हूँ। ओके, तो रेडी हो मेरा स्पेशल वाला बेड देखने के लिए? तो ये देखो क्या गजब का लग रहा है। मैंने डुअल बेड बनाया है। हाँ, मैं सिंगल लौंडा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे किंग साइज बेड पर सोना बहुत पसंद है। ये बेड बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। और अब मैं यहाँ पे ड्रेसर बनाऊंगा, यानी ड्रेसिंग टेबल। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे अपना ड्रेसर भी बना लिया है। तो हमारा बेड रेडी है, हमारा प्यारा सा ड्रेसर रेडी है, और अब हमें यहाँ पर बनाना है अपना एक कंप्यूटर टेबल। तो अब मैं वो भी बना लेता हूँ। और ये देखो, टन टन है, हमारा गेमिंग पीसी रेडी है। तो जबरदस्त लग रहा है ना ये पीसी। मुझे ट्रिपल मॉनिटर पे हमेशा से खेलना था। ये देखो हमारा कीबोर्ड, माउस, गेमिंग चेयर, कितना गजब लग रहा है। ये मेरा सीक्रेट हाउस नहीं, ये तो मेरा परमानेंट हाउस होना चाहिए यार। और लाइफ में चाहिए ही क्या, एक बेड चाहिए, बस कांच चाहिए और हमारा गेमिंग पीसी चाहिए। बस यहाँ पर बैठो और आराम से गेमिंग करो। इन सबको बनाने में ना बहुत मेहनत लगी है। अगर तुम लोग को जानना है ना ये मैंने कैसे बनाई, तो तुम लोग मुझे बता देना नीचे कमेंट्स में। मैं नेक्स्ट टिकटॉक हैक वाली वीडियो में तुम लोग को दिखा दूंगा कि ये बेड, ड्रेसर और ये गेमिंग पीसी आखिर कैसे बनाते हैं। तो हमारा सीक्रेट हाउस हो चुका है रेडी। चलो इसे बाहर से देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। पहले इसे खोल लो, बाहर जाओ, इसके अंदर कोई भी एक सामान डालो तो ये बंद हो जाएगा। अब अगर कोई भी बाहर से अंदर आएगा, ओहो बाहर तो बारिश हो रही है, तो इसका मतलब बाकी विलेजर्स अंदर आते ही होंगे। अब अगर कोई भी इस घर के अंदर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखेगा कि चलो सब कुछ नॉर्मल ही है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है खास, यहाँ पर तो बेड भी नहीं है, तो फिर वो ऊपर जाएगा और यहीं पर वो सोचेगा कि चलो मैं यहाँ पे बेड लगा देता हूँ ताकि नीचे कोई रुके ही नहीं। तो अब कोई भी आएगा तो वो यहाँ आके सो जाएगा, वो नीचे रुकेगा ही नहीं। और ऊपर में यहाँ छत है, तो छत पर तो बारिश हो रही है। लेकिन अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग एकदम नीचे जाएंगे। हम लोग इसको बंद करेंगे और हम लोग इसके अंदर में सामान डालेंगे, तो हमारा सीक्रेट रास्ता खुल जाएगा। और बस इसे यहाँ से बंद कर दो और अपना सीक्रेट हाउस सिर्फ अपना रहेगा। ये तो जन्नत है यार, जन्नत। इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है रहने के लिए। यहाँ पर आराम से गेमिंग करो, वहाँ पर आराम से सो जाओ। वाव। तो चलो गाइस, आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा। हम लोगों ने इतनी जबरदस्त मॉडर्न सीक्रेट हाउस बनाई है यार। तुम लोग भी इसे जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि तुम लोग का हाउस कैसा बना। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक भी कर दो यार। और मुझे इंस्टाग्राम IM Aishmore पर जरूर से फॉलो कर लेना, वहाँ मैं तुम लोग से डेली बात करता हूँ। और अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए हो ना तो नीचे सीक्रेट हाउस कमेंट कर दो यार। यहाँ तक वीडियो देखे हो तो एक कमेंट तो कर ही सकते हो, ताकि मुझे पता भी चल कि तुम लोगों ने वीडियो यहां तक देखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी जबरदस्त माइनक्राफ्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।